श्वेता तिवारी ने हड़प ली सारी संपत्ति। पहले पति राजा चौधरी ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। शादी टूटने की बताई असली वजह, बोले मुझे राक्षस बना दिया। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की जिंदगी हमेशा से ही विवादों से घिरी हुई है। साल 1998 में श्वेता ने राजा चौधरी से शादी बचाई थी। श्वेता राजा हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इस शादी से उन्हें एक बेटी पलक भी हुई, लेकिन बेटी की जन्म के कुछ ही दिनों के बाद ही उनकी शादी में दिक्कतें आना शुरू हो गईं। श्वेता ने राजा पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद साल 2007 में दोनों तलाक लेकर लैदा हो गए। अब पहली बार राजा चौधरी ने श्वेता से अपनी शादी टूटने की पहली बार वजह बता दी है। टेलीटॉक इंटरव्यू में दिए गए राजा ने बताया कि वो श्वेता से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे और इसके बाद ही दोनों ने झटपट शादी कर ली थी। राजा ने बताया कि श्वेता के घर वाले इस शादी से राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। इस इंटरव्यू में राजा ने शादी के टूटने की असली वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि श्वेता का सोटी जिंदगी की शो कर रही थी। वो लीड एक्ट्रेस थी, 16-17 घंटे वो शो में बिजी रहती थी। हम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे और श्वेता शादी से ज्यादा अपने करियर पर फोकस कर रही थी। उन्हें सलाह देने वाले कई लोग थे और वो आगे बढ़ रही थी। उसे लग रहा था मैं अच्छा कर रही हूँ, फेमस हो रही हूँ, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं? राजा ने कहा कि श्वेता ने जितने भी इल्जाम उन पर लगाए वो सभी फर्जी हैं। राजा ने कहा कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो 2-4 फर्जी मुकदमे अपने आप लगा देते हैं। राजा ने कहा कि ये केस मीडिया में छा गया और इसने लोगों की नजरों में उन्हें राक्षस बना दिया। राजा ने कहा कि श्वेता ने उनसे सारी प्रॉपर्टी भी ले ली, लेकिन उनके रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट छोड़ा, बाकी चीजें श्वेता के पास ही हैं। राजा ने बताया कि उनकी बेटी पलक को भी उनसे अटैचमेंट नहीं है। राजा ने कहा कि जो चीजें श्वेता ने मेरे साथ की वही उसने अपने दूसरे शोहर के साथ भी की। राजा ने कहा कि वो ठीक है और अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा इन दिनों टीवी शो कैसा है ये अनजाना रिश्ता में नजर आ रहे हैं। राजा के इन इल्जामों पर श्वेता क्या जवाब देती हैं, ये तो देखने को ही मिलेगा।